हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे साथ डेली डोज रिएक्शन। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं ये होने वाला है मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स को लेके गाइस आप सब जानते होंगे कि इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका वेट हो रहा था कि कब ये रिलीज़ होगी मूवी, और इसका आप जो है प्लान बना था कि 26 जनवरी जो है इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा 26 जनवरी को, लेकिन इसको रिलीज़ नहीं किया गया कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इसको रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद सुनने में आया कि 11 मार्च 2022 मतलब कि 11 मार्च को ये रिलीज़ हो जाएगी मूवी, और उससे पहले गाइस इसका जो ट्रेलर है वो भी जो है आज रिलीज़ कर दिया गया है। तो गाइस ट्रेलर देखने वाले हैं, और गाइस इस मूवी के जो है जो लेखक डायरेक्टर हैं वो है विवेक अग्निहोत्री। तो गाइस विवेक अग्निहोत्री इस मूवी के लेखक भी हैं और डायरेक्टर भी। और गाइस जिसको नहीं पता कि दी कश्मीरी फाइल्स ये है क्या क्या किस मतलब किस बेस पे है मूवी, तो गाइस ये कश्मीरी फाइल्स जो है जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर जो मतलब जिस तरह से इस्लामिक इंसर्जेंसी के दौरान जो कश्मीरियों के ऊपर किया गया कश्मीरी पंडित के ऊपर, तो इसमें वो सारी जो चीज़ें हैं जो जो उनके साथ हुआ वो इसमें बताया जाएगा। और गाइस ये मतलब एक ट्रू स्टोरी है, मतलब कि एक रियल स्टोरी है मूवी जो है, काफ़ी ज़्यादा देखनी चाहिए। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कैसा होगा ये मूवी का ट्रेलर। गाइस में साथ में जो एक्टर है इस मूवी में वो है अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी, एंड विवेक अग्निहोत्री जो है। गाइस विवेक अग्निहोत्री इसके मूवी के डायरेक्टर और राइटर दोनों हैं, और इसमें मिथुन के साथ दर्शन भी है। गाइस दर्शन और अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती वो इन दोनों ने मतलब मेन जो रोल निभाया है, मिथुन और मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने निभाया। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कैसा होने वाला है दी कश्मीर फाइल्स का ये ट्रेलर। बहुत कुछ सीखने वाले हैं गाइस इस मूवी को जब ये रिलीज होगी। लेट्स प्ले। कश्मीरी पंडितों की जान ली है जी, कितने लोगों को मारा होगा? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। हाँ ये भी है इसमें। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है? हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. जय कश्मीर। रे करे चले, अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, बहुत बुरा हुआ था उसका याद करके क्या मिलता है यार। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। धर्म मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज अ सॉन्ग ऑफ टेररिज्म, इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर, एक्जैक्टली लाइक जनगणमन ऑफ इंडिया। जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आप ये लाल चौक, लाल चौक। This is the time for justice, Krishna. कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? ये
get to just take the Kashmir files. तो गाइज यार मुझे तो ट्रेलर देख के ही यार सच में यार मुझे काफ़ी सैड फील हो रहा है, काफ़ी मतलब एक रोने वाली फीलिंग आ रही है यार जिस तरह का ये ट्रेलर है। सच में यार उस टाइम पे 1990s में जो सीन हुआ था ना उस टाइम पे, मतलब सच में यार वो अब याद कर रहे हैं जिस तरह से उसमें जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो बहुत दर्द भरा सीन है, जिस तरह से उस टाइम पे कश्मीरी पंडित के ऊपर जो हुआ था जिस तरह से उनको मारा गया था। बहुत यार मैं ट्रेलर को देख के ही ना मुझे बहुत ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग आने लगी, पता नहीं अभी आप देख रहे होंगे मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशन जो है ना यार मैं बता नहीं सकता यार, मतलब जिस तरह से उनको मारा गया वो स्टोरी में जिस तरह दिखाया जा रहा है ना सच में बहुत मतलब देख के भी ना थोड़ा एक अलग ही फील हो रहा है मुझे। तो गाइज यार ये वैसे ट्रेलर तो है अभी ट्रेलर आज रिलीज हुआ है 21st को, तो उसके बाद जो है गाइज ये 11 मार्च को ये मूवी जो है रिलीज़ हो जाएगी और हमें पूरी स्टोरी जो है जो हम नहीं जानते, मतलब लगभग सब जानते हैं लेकिन इतने ऐसे भी लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हुआ क्या था वहाँ पे, कैसे जो इस्लामिक इंसर्जेंसी जिस तरह से हुई थी वहाँ पे और जिस तरह से वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ जो उनको जिस तरह से मारा गया, उन्हें जिस तरह से भगाया गया उसको हम देखेंगे, उनके बारे में जो जानकारी हमको मिलेगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा। और यार सच में बहुत ज़्यादा यार इसको ट्रेलर को देख के ना एक मुझे सच में यार बहुत अलग ही कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, सैड एक सैडनेस देख रहे हो कि मैं सच में ना एक रोने वाली फीलिंग हो रही है मेरी इस तरह से जिस तरह से वहाँ पे ये ट्रेलर दिखाया ना, मतलब ट्रेलर में जिस तरह दिखाया गया है। आगे जब मूवी देखेंगे तो यार काफ़ी ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग होंगे ना सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इस मूवी को देख के, मुझे तो ट्रेलर देख के आंसू आने लगे जिस तरह का इसमें सीन दिखाए गए हैं। सच में गाइस बहुत बुरा हुआ था आज के टाइम में, गाइस 1990s को कोई याद नहीं रखता, आज के टाइम में ऐसे भी हैं कि आज के टाइम में क्या चल रहा है हिजाब को लेके काफ़ी ज़्यादा कंडीशन चल रही है कि कंडीशन में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए लोग बच्चों को इंसान को, मतलब स्कूल में क्या पहन के जाना चाहिए क्या नहीं पहन के जाना चाहिए। लेकिन कोई जो कश्मीर में हुआ था कश्मीरी पंडित के साथ जो जेनोसाइड हुआ था उसको कोई याद नहीं रखता। और ये जो मूवी है गाइस सच में बहुत ज़्यादा एक जानकारी लेके आई है उन लोगों के लिए, आज की जो यूथ है आज की जो जनरेशन है जिसको नहीं पता कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उन्हें पता चलेगा कि कैसे कश्मीरी पंडित जो हैं उनके ऊपर जुल्म किए गए, उनके साथ जो अत्याचार हुआ और उन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाया, मतलब उन्होंने ये नहीं कि आप वो लड़ रहे हैं उनको ऐसा कर रहे हैं तो वो हथियार उठाएं, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। और गाइस इस तरह के राइटर या डायरेक्टर नहीं मिलते जो इस तरह की मूवी लाते हैं जो एक रियल स्टोरी दिखाते हैं, और जिस तरह से कश्मीरी पंडित का जो 1990s का जो स्टोरी है इसको बताया गया विवेक अग्निहोत्री द्वारा। तो यार विवेक अग्निहोत्री जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं और मतलब लेखक भी हैं जिन्होंने उसको जो 1990s में जो ये चीज़ें हुई उसको जो है एक पर्दे पर दिखाया, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो है जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ वो उन्होंने एक जो दिखाएंगे उस पर्दे पे। अभी रिलीज़ तो नहीं हुई है लेकिन 11 मार्च को जो है गाइस ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी और सभी लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सैड बात थी और काफ़ी ज़्यादा अभी भी मैंने जिस तरह का ट्रेलर मैंने देखा ये ट्रेलर देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक तरह का रोने वाली फीलिंग मेरे आंखों से आंसू जो है वो आने लगे थे। तो गाइस आप बताना ये आपको जो ट्रेलर है ये आपको कैसा लगा या फिर ये जो मूवी रिलीज होने वाली है उसको लेके आपकी क्या राय है, अगर गाइस आपको ये ट्रेलर आपको पसंद आया है या फिर आप चाहते हैं कोई राय देना कमेंट में तो गाइस कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा दर्द भरा ये ट्रेलर था, काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी ये मूवी होने वाली है। तो गाइज मिलते हैं इतनी वीडियो के साथ और 11 मार्च को जो है गाइज जब ये मूवी जो रिलीज़ होगी तो जरूर आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो गाइज करता हूँ वीडियो को एंड और मिलता हूँ इतनी वीडियो के साथ, तब तक आप सेफ रहें सुरक्षित रहें मेरे साथ देखते रहें डेली डोज रिएक्शन। बाय बाय।